यहाँ से डाइवर्जन किया हुआ है भाई। पहले हम लोग आते थे ना तो राइट को जाते थे, राइट को रोड था लेकिन बंद है राइट को, तो लेफ्ट से इन्होंने दिया हुआ है कट। और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम लगता है, ये राइट को देख रहे हो ना, तो ये रास्ता था ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो इधर से इन्होंने डाइवर्जन दिया हुआ है लेफ्ट से। अच्छा रोड अगर खराब है ना तो भाई ये टोल नहीं ले रहे हैं अभी भी। पीछे कुल्लू वाला टोल भी बंद किया हुआ था और ये वाला टोल भी है ना बंद किया हुआ है, तो टोल नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों देख लो भाई, माल रोड पे फिर से रोने के लग गई है। टूरिस्ट मैं सोच रहा था कम आए हुए हैं लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है काफी टूरिस्ट है। ये देखो गाइस सामने ये पहाड़ की चोटी पे ना सूरज की रोशनी कितनी जबरदस्त लग रही है, ऐसे गोल्डन चमक रहा है, क्योंकि स्नो कवर्ड माउंटेन है और जो सनलाइट है ना ऐसी लग रही है जैसे गोल्ड हो, गोल्ड का पहाड़ हो, अद्भुत लग रहा है अद्भुत। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होगे भाई, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो फरवीन राणा व्लॉग्स पर आप लोगों का स्वागत है और आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा हिमाचल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स में जो पहाड़ों का मजा है वो है स्नोफॉल का। तो भाई स्नोफॉल देखने का मन कर रहा है, तो प्रेडिक्शन बताइए थोड़ी सी, श्योर नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जा रहे हैं यार, लकी हुई तो मिल जाएगी, नहीं तो अटल टनल पार आप लोगों को लाओ लेके जाऊंगा। इस बार थोड़ा सा ट्रिप में मजा इसलिए आएगा क्योंकि इस बार मैं जा रहा हूँ थार से। जी हाँ दोस्तों, थार से जा रहा हूँ, अपनी हैरियर से नहीं। हैरियर से लास्ट मंथ मैं कश्मीर गया था, आप लोगों ने अगर मेरी कश्मीर की ट्रिप नहीं देखी है दिल्ली से कश्मीर तो जाके देखो, आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से दिल्ली से मनाली, और मनाली पे स्नोफॉल हो गई तो वहाँ एंजॉय करेंगे, नहीं तो उसके आगे अटल टनल पार लाहौल के नज़ारे दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ थार के बारे में बता रहा था, इस बार थार का एक्सपीरियंस लेंगे, थोड़ा सा एडवेंचर होगा, 4x4 ऑटोमेटिक आ गई अपने पास, अपना छोटा भाई लेके आ गया, तो आप लोगों को तो मेरी ट्रिप्स में थार भी देखने को मिलेगी। तो जो 4x4 में मिस कर रहा था इस बार वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल में क्या है ना मनाली साइड में हैरियर लेके मैं हर जगह चला जाता था लेकिन पुलिस वाले रोक देते थे कि नहीं ये नहीं जाओगे आप, ये लेके जाओगे। तो इस बार भाई 4x4 लेके जा रहे हैं थार। थार का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो अभी आप लोगों को बता दूंगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है थार के साथ। तो निकल रहे हैं दिल्ली से मनाली के लिए, रोड कंडीशन कैसी है वो अभी आप लोगों को जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी विंटर्स में स्नोफॉल देखने के लिए बहुत सारे लोग जाएंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों 9:30 पर हम लोग निकल लिए हैं भाई दिल्ली से, और भाई ये है थार अपनी, थार का कुछ अंदर का ऐसा माहौल है, बढ़िया दिन में दिखाऊंगा आप लोगों को, अच्छा इंटीरियर वगैरह बढ़िया करवा रखा है। बाकी भाई अभी इसमें डीजल में है ये ऑटोमेटिक 4x4, तो अभी डीजल फुल करवाएंगे। तो 550 किलोमीटर के अराउंड है मनाली, तो हैरियर में तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता था, अभी इसका एक्सपीरियंस देखते हैं भाई। इसमें थोड़ा सा अलग तो एकदम से लगेगी लेकिन हाँ भाई 4x4 में अगर गाड़ी चाहिए तो आज के टाइम पे तो थारी है, जिमनी तो बच्ची सी है, अभी जिमनी के तो मारुति ने ऑलरेडी 2-2.5 लाख रुपए कम कर दिए क्योंकि बिकी नहीं रही वो। तो दोस्तों डीजल डलवा लेते हैं एक बार, सबसे पहले सबसे जरूरी काम है भाई। अरे इसमें तो भाई चाबी निकाल के जाना पड़ेगा बाहर, थार में तो हैरियर में तो बटन खुल जाता था। ये भाई फेंट ऑफ ही दे रखी है, आ रहा हूँ भाई बाहर। ये भाई मैं यूज टू नहीं हूँ ना इस चीज़ का, ले भाई डीजल है। हाँ डीजल है, डाल दे फुल कर दे। क्या नाम है? राजीव। राजीव जी फुल कर दो। राजीव सिंह राणावत। राजीव सिंह राणावत, नहीं नहीं राणावत नहीं, राजपूत हूँ मैं, राजपूत। चलो ठीक है भाई, ठीक है डाल दो, फुल कर दो। दोस्तों टैंक हो गया फुल भाई अपना, 609 किलोमीटर डिस्टेंस टू एमपीटी दिखा रहा है। बाकी अब निकल रहे हैं, टाइम हो गया 9:50। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं भाई हाईवे पर, और भाई मनाली है 493 किलोमीटर, अभी 10 घंटे का रास्ता बता रहा है, लेकिन मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, मैं हमेशा अपनी हैरियर चलाता हूँ या कोई दूसरी गाड़ी, लेकिन ये है ना थार में आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस अभी से बता सकता हूँ कि ये हाईवे पे चलने के लिए नहीं बनी है भाई। ये बोलती है कि मेरे को खेतों में घुसाओ, मेरे को पत्थरों में घुसाओ, क्योंकि आप चलाते हो तो आपको फीलिंग आ जाती है, तो ऑफ रोडिंग के लिए तो ये मस्त है ये, अदरवाइज आप लोगों को कंफर्टेबल एक फैमिली कार तो है नहीं। इस कार के साथ में दो कार आपके पास होनी ही चाहिए, जो एक फैमिली के लिए और एक आप अपना एक दो बंदे जाओ, अपना पीछे दो सीट लेट आके ही लगे जा सकता है, अदरवाइज लगे जा ही नहीं सकता, लेकिन हाँ इसका अपना ही एक टसन है भाई। तो दोस्तों ये है हमारी ट्रिप का पहला टोल, तो भाई जितना भी टोल लगेगा, क्योंकि अभी मनाली हाईवे है जो चंडीगढ़ मनाली हाईवे कीरतपुर मनाली वाला, उस पर भी टोल चालू हो गया है, तो जितना टोटल टोल लगेगा ना मैं आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों पानीपत पहुंच गए भाई, पानीपत का टोल क्रॉस किया है अभी,
और भाई थोड़ा थोड़ा सामान निकालने के लिए है ना पीछे आना पड़ता है, सारा लगेज पीछे है तो उतर के, और ये चाबी से खुलती है ना, सबसे बड़ी बात ये है, टॉप मॉडल होने के बाद भी चाबी से खुलती है, तो ये तो महिंद्रा को एटलीस्ट करना ही चाहिए था। तो भाई पहले इसको खोलो फिर ये शीशा खोलो फिर ये सामान लगेज है, ये सारे में लगेज आ गया भाई, सीटें आ गए करके इस लगेज सारे में आ गया, दो ही बंदों के लिए कंफर्टेबल है ये। तो दोस्तों ऑटोमेटिक में भाई ये है कि थोड़ा कंफर्टेबल तो रहता है, लेकिन यार सही बताऊ ना, देखो अपनी अपनी पसंद होती है, मेरे को तो मैनुअल ही पसंद है, इसमें हाथ रखे बैठा हूँ मैं इस पे गियर पे, लेकिन मजा नहीं आ रहा, सही बात है। लेकिन भाई 80 की स्पीड चल रहे हैं, पानीपत का टोल क्रॉस कर लिया, 414 किलोमीटर और बचा हुआ है, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, आराम आराम से चल रहा हूँ मैं, 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, और 80 के ऊपर से स्पीड में है ना ये ज्यादा हिल रही था। बाकी रोड शानदार है, हाईवे शानदार है, हिमाचल का कैसा है वो रोड स्टेटस मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि मैं अगस्त में गया था, आप लोगों को पता ही है मैं पहुंच नहीं पाया था, रास्ते से ही मुझे वापस आना पड़ा था, सारे रोड इस बार हिमाचल में बारिश में है ना पूरी तबाही हुई थी, तो सारा स्टेटस आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसा हो गया मनाली तक, ताकि आप लोग आओ तो आपको ईजी लगे, आपका भाई आप लोगों की पूरी मदद करता है, आप लोग जानते हो। तो दोस्तों टाइम 12:35, 35 किलोमीटर पे अंबाला, 175 किलोमीटर आ गए हम लोग, अभी मन्नत हवेली में रुकेंगे और यहाँ पे चाय पियेंगे, चाय का टाइम हो गया, क्योंकि इतना लंबा ड्राइविंग के बाद एक चाय हो जाएगी ना तो थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी और गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, और हम लोगों को तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लंबे सफर भी जाते हो ना, थोड़ा रुकते रुकते जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए और गाड़ी के लिए दोनों के लिए। दोस्तों गाड़ी का माहौल बढ़िया था भाई, बाहर तो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और यहाँ पे टेम्परेचर है ना मैंने अभी देखा 11 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे मेरे को इतनी ठंड लग रही है, मैं सोच रहा हूँ मनाली में कितना होगा, मनाली में -7 तक जा रहेगा, इतनी ठंड छोड़ गए और ठंड में जा रहे हैं हम लोग। बाकी भाई चाय आ गई, चाय पियो गर्मा गर्म चाय और फ्रेंच फ्राइज, मजा आ जाएगा इतनी ठंड में। तो दोस्तों 1:07 और भाई अब निकल लिए हम लोग मन्नत हवेली से, चाय पी के और फ्रेंच फ्राइज पाके भाई गर्म गर्म, मजा आ गया, फ्रेश हो गए एकदम से भाई, और अब आप लोगों को दिखाएंगे नज़ारे सुबह होते ही पहाड़ों के शानदार वाले नज़ारे। अभी हम हरियाणा से पंजाब में एंट्री करेंगे, फिर पंजाब से हिमाचल होते होते हम चाह रहे हैं कि सुबह हो जाए, उजाला हो जाए, तो इसलिए हम आराम आराम से चल रहे हैं मज़े लेते हुए, और नाइट ड्राइव का अपना ही मज़ा है आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आप मैं हर बार नाइट में निकलता हूँ, और मैं बहुत सारे लोग जो घूमना चाहते हैं उनको बोलता भी हूँ कि भाई नाइट में निकला करो, ये खाली खाली रोड दिन में थोड़ी मिलते हैं यार। तो भाई क्रूज पे डाल दिया थार, ऑटोमेटिक और क्रूज, मैं बैठ गया हूँ आराम से, बिल्कुल आराम से चलती रहेगी सीधी सीधी, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं बात नहीं है। तो अभी स्पीड बढ़ा देता हूँ, हालांकि थोड़ी कम है स्पीड, 40-60 की स्पीड पे चल ले देंगे आराम आराम से। डिस्टेंस टू एम्पटी दिखा रहा है 769, तो ये जिस अकॉर्डिंग में चलाता हूँ उस अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता रहता है। दोस्तों 343 और भाई हिमाचल में आप लोगों का स्वागत है, टनल नंबर 1 आ गई है, तो ये सुंदरनगर तक ऐसा ही रोड मिलने वाला है। अब लास्ट टाइम मैं आया था तो भाई बारिश में ये रोड बना ही था, जून में मैं गया यहाँ से, मैं इतना खुश हो गया, मैं कहा यार बताओ इतना मजा आ जाएगा अब तो, लेकिन भाई इतनी बारिश हुई ना पूरी लैंडस्लाइड हो रखी थी, लेकिन अब सुंदरनगर तक तो फटाफट पहुंच जाएंगे आधे पौने घंटे में, मजा आ जाएगा इस रोड का है ना, मजा है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना फिर तो और मजा आ जाएगा। बाकी आगे जैसा भी होगा ना मंडी के बाद थोड़ा सा खराब होने की संभावना है, वो आप लोगों को पूरी डिटेल देता चलूंगा मैं। तो दोस्तों 9:30 मैं दिल्ली से निकला था, और इस उम्मीद से कि भाई जैसे ही पहाड़ आएंगे ना तो सुबह हो जाएगी, आराम आराम से चल रहा था मैं 70-80 की स्पीड से, लेकिन अभी 4 बजे ही मैं पहुंच गया, तो मनाली होपफुली टाइमली पहुंच जाएंगे। बिलासपुर है 22 किलोमीटर, मंडी 75 और मनाली 182। बाकी लास्ट टाइम मैं आया था भाई मैं आप लोगों को बता रहा था भाई, तो ये एक सिंगल रोड तो है ना, ये डबल लेन का हाईवे है, तो इसमें सिंगल तो बंद ही था, लैंडस्लाइड हो गए, अब इन्होंने खोल दिया है पूरा, तो बड़ी खुशी हुई है देख के। बाकी इस वाले हाईवे पे भाई स्पीड कैमरे लगे हुए हैं बहुत सारे, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, 50 की स्पीड लिमिट है तो ध्यान रखना, चलान हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, अगर आप घर जाओगे ना फिर आपको मैसेज आएगा कि चलान हो गया, ये देखो ये अभी ये 35 की स्पीड है मेरी, 50 की स्पीड लिमिट है इसकी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो उनको बता दूं। बाकी अभी सामने है टनल नंबर 2, इसमें ड्राइव करने का है ना अपना ही मजा है यार।
दोस्तों जो लोग ये देख रहे हैं ये जानना चाह रहे हैं कि भाई वॉल्वो चल रही है नहीं चल रही है, तो भाई वॉल्वो जा रही है खूब, हमने खूब सारी वॉल्वो जा रही है। तो जो भाई वॉल्वो में आना चाहते हैं अपने वॉल्वो में आ जाओ, जो गाड़ी से आना चाहते हो गाड़ी से आ जाओ, रोड एकदम बढ़िया हो गया है। लास्ट टाइम मैं आया था लद्दाख ट्रिप के लिए अगस्त में, तो भाई ये जगह है, यहाँ से मैं वापिस हुआ था मनाली घागस, यहाँ पे बिल्कुल आगे ना पूरा पूरा का पूरा पहाड़ गिरा हुआ था, हालांकि पीछे तक गिरी हुई थी लेकिन मैं यहाँ तक आ गया था। अब लोग अगर देखना चाहो ना कितने बुरे हालात थे तो मेरे वीडियो देख सकते हो मेरे वीडियो जाके, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है भाई ये देख के कि अब सब कुछ नॉर्मल है, रास्ते बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। तो आप लोग आओ भाई एंजॉय करो, और ये मनाली तो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, यहाँ तो मैं बार बार आता हूँ, इसलिए रोड अच्छे होते हैं ना तो फिर मेरे को और अच्छा लगता है। तो दोस्तों 449 और हम लोग पहुंच गए भाई सुंदरनगर। जैसे ही हिमाचल में स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से लेके और सुंदरनगर तक का भाई एक नंबर का रोड हो रखा है, बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास हाईवे है, मजेदार। और इसके बाद आएगा मंडी, मंडी के बाद पंडो वाला जो रोड है उस पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा भी होगा आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा। बाकी भाई हैरियर के बाद थार चलाना है ना, कंफर्टेबल नहीं है यार ड्राइविंग, अगर आप कंफर्टेबिलिटी देखो ना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ ऑफ रोडिंग के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है आज के टाइम में, लेकिन अगर रोड पे चलाने में कंफर्टेबिलिटी देखो ना तो मैं हैरियर के मुकाबले तो भाई कुछ भी नहीं है। दोस्तों 524 और हम लोग पहुंच गए भाई मंडी। अब यहाँ से आगे का थोड़ा रास्ता खराब होगा, लेकिन अब हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए तो ट्रैफिक से भी बच जाएंगे और होपफुली जल्दी मनाली पहुंच जाएंगे। तो हम लोग आराम से चल रहे हैं, लेकिन टाइम अभी 5:20 ही हुआ है और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग भी इस हिसाब से चलोगे ना तो ट्रैफिक जैम से तो श्योरली बच जाओगे। दोस्तों ये है वो रास्ता पंडो वाला, सबसे जो खतरनाक रास्ता है ना भाई वो है, अभी तो गाड़ी है ना रात में भी चल रही है, लेकिन बारिश के टाइम पे इस रास्ते ने जो सबसे परेशान किया ना ये वाला रास्ता है, वो कई कई महीनों तक बंद रहा है और आगे भी है ना इसी पे सबसे ज़्यादा दिक्कत। ये देखो अभी भी क्या हालात है, अगर दिन होता ना तो आपको और बेटर नज़र आता, लेकिन अभी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। हालांकि खुला हुआ है, गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम है ना इसी वाले थी मंडी से जो कुल्लू के बीच का है ना, सारी प्रॉब्लम यही है। और फिर कुल्लू के बाद जो मनाली वाला है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है पंडो डैम, यहाँ से डाइवर्जन किया हुआ है भाई। पहले हम लोग आते थे ना तो राइट को जाते थे, राइट को रोड था लेकिन बंद है राइट को, तो लेफ्ट से इन्होंने दिया हुआ है कट, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है। ये राइट को देख रहे हो ना, तो ये रास्ता था, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो इधर से इन्होंने डाइवर्जन दिया हुआ है लेफ्ट से, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को इससे बचना है तो आप अर्ली मॉर्निंग आओगे ना तो बच जाओगे, नहीं तो इस पैच पे है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, देख ही सकते हो आप लोग किस टाइप का रास्ता है। तो भाई इस बार इतना नुकसान हुआ है बारिश में, आप अंदाज़ा लगा लो कि 6 महीने होने को है, लेकिन अभी तक रोड है ना कम्प्लीट नहीं हुए हैं ठीक। ये देखो इस टाइप का है, दोनों इस बीड़ा सा रोड है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ है ना इसी पे आती हैं, तो आप सोच सकते हो कि जब दिन में ट्रैफिक होता होगा तो फिर कितनी मुश्किल होती होगी निकालने से। तो दोस्तों पंडो डैम से और ये आ गई टनल, अभी आप लोगों के सामने दिख रही होगी टनल नंबर, मैं बता देता हूँ कौन सा है ये टनल नंबर 11। यहाँ तक बिल्कुल ख़राब रास्ता है भाई, जो असली टाइम लगेगा ना यहाँ पे ही लगेगा, क्योंकि वो डाइवर्जन भी दिया हुआ है और बीच में बिल्कुल ख़राब है रास्ता। बाकी ये एक ही गाड़ियाँ निकल जाती हैं, अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आओगे तो आप ट्रैफिक जैम से बच जाओगे। बाकी भाई ये टनल एक बंद है, ये चालू है, तो अब टनल 11, 12, 13 ऐसे है, इसके बाद आई थिंक अच्छा होना चाहिए रास्ता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और हम पहुंच गए भाई 7:08 पे कुल्लू, राइट में मणिकरण, सीधा मनाली, और भाई नज़ारे अब दिखे हैं तो बड़े शानदार से, और बादल भी हो रखे हैं भाई थोड़े थोड़े, तो हो सकता है स्नोफॉल मिल जाए। तो दोस्तों मनाली है 37 किलोमीटर और ये मेन मनाली वाला हाईवे है जो कुल्लू से मनाली की तरफ जाता है, और नागर वाला दूसरा है, और साथ में ही आप लोगों को व्यास रिवर दिख रही होगी, बड़ी शांत सी मंद मंद सी बहती हुई। आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि ये नदी ने ऐसा रूप दिखाया था कि सब खत्म कर दिया था आगे, इस रोड ये रोड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, तो अब पत्थर वत्थर डाल के कैसे टेम्परेरी सा किया हुआ है अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये है वो एरिया मेन जो, लेकिन काम है ना काफ़ी हो गया है इसका,
बस थोड़ा सा वहाँ पे आके ये सामने साथ में अब दीवार बना दी है और ये लेवल पे ही कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रोड अच्छा है, ठीक हो गया है, इसको ऑलमोस्ट कर ही दिया है, अब आगे थोड़ा सा आप लोगों को दिन में आओगे ना तो थोड़ा ट्रैफिक जैम मिल जाएगा, अदरवाइज ओवरऑल रोड है ना ठीक हो गया है। आप लोग आओ भाई मनाली, घर पे मत बैठे रहो, घूमने फिरने निकलो। देखो बस ये थोड़ा सा रोड बचा हुआ है, ये पूरा बह गया था ये देखो आप लोग बुक दिख रही होगी ना, व्यास नदी कितनी आराम से बह रही है अभी, इतनी शांति के साथ इसने रौद्र रूप धारण कर लिया था भाई। ये नदी है ना पहले उधर से बहती थी सीधी सीधी, इसमें राफ्टिंग वगैरह होती थी बिल्कुल सीधी सीधी, अब तो ये पूरे मोड़ गए उधर से इधर से, और पत्थर देखो कितने ले रहे भाई। मैं तो उस तो भाई के बाद पहली बार मनाली आ रहा हूँ, तो मैं तो देख के ना बिल्कुल हैरान हूँ इससे, इन नज़ारों को ना, नज़ारे तो क्या कहे इन दृश्यों को देख के। मतलब हिमाचल के साथ जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ, हिमाचल के पहाड़ों को मैं ये सोचा था बहुत मजबूत पहाड़ है, क्योंकि बारिश तो हिमाचल में होती रहती है, लेकिन इस बार जो हुआ ना बहुत गलत हुआ भाई। ये तो हाईवे तो इतना अच्छा बन गया था ना कि जब भी पहुंच जाते थे, लेकिन ये देखो क्या हालत हो रखी है। ये पहले यहाँ पर आप लोग आए होंगे ना, तो डबल था ये रोड, फोर लेन आया था, तो अभी तो सिंगल ही बच गया, उधर का तो पूरा खत्म ही हो गया, उधर तो आप कभी कह ही नहीं सकते कि उधर कभी रोड हुआ भी करता था, इस टाइप के हालात है। बाकी आप स्नो की चोटी आप लोगों को दिख रही होंगी भाई, उधर नज़ारे बड़े अच्छे अच्छे से। अच्छा रोड अगर खराब है ना तो भाई ये टोल नहीं ले रहे हैं अभी भी, पीछे कुल्लू वाला टोल भी बंद किया हुआ था और ये वाला टोल भी है ना बंद किया हुआ है, तो टोल नहीं ले रहे हैं। अच्छी बात है भाई, अगर रोड ठीक नहीं है, पब्लिक को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो फिर इन्होंने टोल लेना बंद कर रखा है, जो रोड बन जाएगा तभी टोल स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ भी ख़त्म हो गया था, लेकिन ये प्रॉपर बना दिया है, जैसे पीछे कच्चा था लेकिन ये प्रॉपर सड़क बना दी है, ये पूरा का पूरा ही गायब हो गया था भाई, कमाल कर दिया यार। मतलब कि फोर लेन हाईवे गायब हो गया और इधर से भी मतलब कि गिर गए, गजब। तो ये तो बना दिए, मतलब ये रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ये पहले भी आते थे 14-15 घंटे लग जाते थे, तो उससे तो कम ही टाइम में पहुंच जाते हैं। और ये सामने की आप लोग बर्फ भरी चोटियाँ देखो, नज़ारों के आनंद लो, ये तो भाई जो हो गया सो हो गया, अभी नज़ारों के आनंद लो, आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो भाई का आप लोग देख के आनंद लो। ये देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े पत्थर लेके आई हुई है, पूरे पहाड़ के पहाड़ लेके आई हुई है नदी के अंदर, आप लोग देखो भाई साहब। और सामने का वो पहाड़ देखो बर्फीला, क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई। लेकिन भाई खौफनाक मंजर रहा होगा यार, जब ये आई होगी ना पानी आया होगा इसमें, सच में यार मैं ये देख के, इतने बड़े बड़े पत्थर पूरे पहाड़ के पहाड़, और जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, ये रोड नए बनाए हैं, ये पूरे खत्म हो रखे थे, ये रोड ये गायब थे, ये नए रोड बनाए हुए हैं बिल्कुल। देखो आप लोग अब मनाली आओगे ना, अगर आप बहुत बार आ रखे हो और ये जो तबाही हुई थी उसके बाद अब आओगे ना, तो आपको बहुत अलग अलग लगेगा। यहाँ पे ना बहुत सारे मकान मेरे राइट साइड में थे, तो ऐसा लग रहा है अजीब से, मतलब ये अलग से ही नज़ारे लग रहे हैं कुछ की, भाई ये इतना खाली कैसे हो गया, इतने पत्थर कैसे आ गए नदी में, अलग सा ही माहौल लग रहा है। मतलब कि जहाँ नज़ारे थे ना वो सारे चेंज करके अलग ही नज़ारे बना दिए नदी ने। दोस्तों फाइनली भाई 8:30 बजे हम लोग पहुँच गए मनाली, काफ़ी ठंड है भाई और बादल भी हो रखे हैं, तो होपफुली स्नोफॉल हो जाए। होटल नटराज में ही रूम ले लिया है अभी, तो रेस्ट करेंगे। बाकी ये अपनी थार है भाई, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, इसके तो दर्शन जरूर करवा देना, क्योंकि रात को आप लोगों को दिखी नहीं। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक तो अपना फेवरेट है भाई, हम ब्लैक, ये ब्लैक, मेरी हैरियर ब्लैक, मेरे पास एक बुलेट है वो भी ब्लैक, अंदर से इंटीरियर और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई ये है अपनी थार, अंदर से ये सीट कवर है ना इसके काफ़ी अच्छे थे, कंफर्टेबल हैं, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा वो ड्राइविंग में हो गया, नॉन स्टॉप आ गया, नहीं तो भाई इतनी कंफर्टेबल नहीं है। ये है अपना सारा, बाकी लगेज भरा पड़ा है भाई, अभी गाड़ी लगा दूँ, रेस्ट करूँगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो रूम टूर मैं आप लोगों को करवा दूँ दोस्तों एक बार, ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन है, मैं इसमें इसलिए करता हूँ क्योंकि नीट एंड क्लीन है ये, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बढ़िया इसकी जो बात है ना, वो एक बार आप लोगों को दिखा दूँ, ये बालकनी मेन रोड पे और यहाँ से ये सुंदर से नज़ारे, बालकनी में बैठ के भी मज़ा आता है, इसलिए मैं है ना लोकेशन की वजह से इसको लेता हूँ, और सूर्य देवता भी निकल गए हैं।
हो गए और मौसम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही हल्के हल्के क्लाउड है, लेकिन बारिश की संभावना है नहीं। तो आज सिसु जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो एकदम से सिसु 10,000 फीट की हाइट पे है, तो वो ठीक नहीं होता, माउंटेन सिकनेस हो जाती है। तो आप लोग भी कभी आओ तो इस चीज़ का ध्यान रखो, सीधे सिसु मत जाना कभी भी, मनाली में एक दिन स्टे करो, उसके बाद आगे जाओ। तो फिर मन किया कि यार होटल में लेट क्या करेंगे, थोड़ा लोकल घूमते हैं, तो मॉल रोड जाएंगे, हिडिंबा टेम्पल वगैरह, क्योंकि टूरिस्ट कम है तो ट्रैफिक भी जैम भी थोड़ा कम मिलेगा। तो हम आते हैं ना तो कई बार वो देख नहीं पाते, वहाँ पे नहीं जा पाते क्योंकि स्नोफॉल हो जाती है, ट्रैफिक जैम, आपको पता ही मनाली में बुरा हाल होता है। तो इस बार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आप लोगों को हिडिंबा माता के दर्शन करवाते हैं और मॉल रोड घुमा के लाते हैं। बाकी मौसम बढ़िया और का ठंड काफ़ी अच्छी है भाई। तो भाइयों अभी निकल रहे हैं, आपको दर्शन करवाते हैं, एक बार शीशा साफ कर लो यार इसका, और ये हवा करवानी है इसमें, क्योंकि सेंसर है ना, हवा कम बता रहे हैं, सारी गंदी होगी वैसे तो, ब्लैक कलर की यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसा कुछ माहौल है भाई मनाली का, आज 11 दिसंबर है लेकिन अभी तक है ना स्नोफॉल एक बार भी नहीं हुई है मनाली में। अटल टनल के उधर है ना सिसु में तो खूब स्नोफॉल हुई है एक दो बार, लेकिन इधर हुई नहीं है। तो मेरे को ऐसा कुछ है नहीं, इधर नहीं हुई तो, क्योंकि ये इधर स्नोफॉल हो जाती है ना तो उधर जा नहीं पाते, और मैं चाहता हूँ इस बार सिसु के नज़ारे देखना, क्योंकि सिसु अलग ही लगता है विंटर्स में, तो वो आप लोगों को कल दिखाएंगे। बाकी क्लाउड्स हो रखे हैं तो कुछ पता नहीं है, यहाँ पे वेदर का कुछ पता नहीं चलता, और फोरकास्ट तो है ही। तो अभी आप लोगों को हिडिंबा माता के दर्शन करवाता हूँ और भाई फिर माल रोड, बाकी भाई ये नज़ारे देखते चलो, नज़ारों के मजे लेते चलो। चारों टायरों में चेक कर देना एक बार, चारों में कर देना एक बार, सुनो फॉल वगैरह होने के चांस है क्या भाई? है तो है, है? मौसम तो बना हुआ है, पता नहीं हो, बादल तो हो रखे, अभी तक तो हुई नहीं ना यहाँ पे एक बार भी। तो दोस्तों ये वाला रास्ता भी है ना, इधर ही वोल्वो पार्किंग वगैरह पूरी बह गई थी, तो अब ये दोबारा से कंप्लीट कर दिए, देखो आप लोग कितनी सारी वोल्वो बस आ रही है, तो रास्ते तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए भाई इन्होंने। आप लोग आना चाहो तो बेफिक्र होकर आ सकते हो, बस वो जो एक रास्ता था मैंने आपको दिखाया था वहाँ थोड़ा ट्रैफिक जैम मिलेगा, अदरवाइज सारे बढ़िया कर दिए। दोस्तों 3 किलोमीटर चल के अपने होटल से हम लोग आ गए हिडिंबा टेम्पल, सामने हिडिंबा टेम्पल है, यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा दी। तो भाई है ना काफ़ी हाइट पे है और भीड़ा सा रास्ता है और ट्रैफिक बहुत होता है, तो स्नोफॉल वगैरह हो जाती है ना तो बहुत स्किट वो हो जाता है, गाड़ियाँ बहुत स्किट कर। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हिडिंबा टेम्पल, और ये देख लो लाइन, तो हिडिंबा माता के दर्शन कर लिए गाइस, 3:30 हुए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं माल रोड, थोड़ा माल रोड घूमेंगे फिर चले जाएंगे अपने होटल, बाकी आप लोग आओ तो लोकल में घूमने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। दोस्तों हम पहुंच गए माल रोड भाई, पार्किंग में गाड़ी लगाती 50 रुपये घंटा है, यहाँ पे बिल्कुल पास में ही है। अभी थोड़ी शॉपिंग करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर अपने होटल चलेंगे। तो दोस्तों देख लो भाई माल रोड पर फिर से रौनकें लग गई हैं, टूरिस्ट मैं सोच रहा था कम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है काफ़ी टूरिस्ट हैं। देखो आप लोग बढ़िया माहौल है भाई, और ठंड भी है ना, सूखी ठंड पड़ रही है भाई, ठंड ज़बरदस्त ठंड हो रखी है, स्नोफॉल होती है ना तो ठंड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो भाई ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है मनाली में। तो दोस्तों मनाली आए और मनाली वो मोमोज वाले के मोमोज नहीं खाए तो कुछ नहीं किया, अच्छे मोमोज हैं भाई इसके, तो 2 स्टीम मोमोज ऑर्डर कर रखे हैं, अभी आ जाएंगे और भाई खाएंगे, ठंड के मौसम में मोमोज का अलग ही मज़ा है। तो मोमोज खा लो दोस्तों, स्टीम वेज स्टीम मोमोज, और भाई नियो, और वो मैं खाता नहीं हूँ ऐसे इतना शौकीन नहीं हूँ मैं मोमोज का, लेकिन यहाँ पे है ना अच्छे ही लगते हैं भाई। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल भाई, तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म, मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया दिल्ली से यहाँ तक का रास्ता, और जैसा भी वेदर वगैरह है तो आप लोग प्लान करना चाहो तो इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अभी स्नोफॉल नहीं है लेकिन हाँ आने वाले कुछ टाइम में हो जाएगी, आप लोग वेदर फोरकास्ट देख के आ सकते हो। बाकी एक नज़ारा दिखाता हूँ लोगों को सुंदर सा, उसके बाद ब्लॉग को एंड करता हूँ। ये देखो गाइस सामने ये पहाड़ की चोटी पे ना सूरज की रोशनी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ऐसे गोल्डन चमक रहा है, क्योंकि स्नो कवर्ड माउंटेन है और जो सनलाइट है ना ऐसी लग रही है जैसे